Question 6. How are legislative powers divided between union government and state governments of India? Explain giving examples. पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया था कि कैसे अलग अलग यूनिट्स की ज्यूरिस्डिक्शन होती है और वो जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो इन तीन लिस्ट के फॉर्म में होती है जो कि गवर्नमेंट के अलग अलग यूनिट्स की पावर्स को स्पेसिफाई करती हैं. सबसे पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट. इस लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज, पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ्स, फॉरेन ट्रेड, करेंसी एंड कॉइनेज एट्सेट्रा. और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट इन सब्जेक्ट्स पर लॉज बना सकती है क्योंकि ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि पूरी कंट्री को यूनिफॉर्मली अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट है स्टेट लिस्ट. इसमें 66 सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि पुलिस एंड जेल्स, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, ट्रेड, कॉमर्स, लिकर एट्सेट्रा. स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स इन सब्जेक्ट्स पर लॉज बना सकती हैं. आप देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में प्रॉबेबली यूनियन गवर्नमेंट को नहीं पता होगा. मतलब एक स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में यूनियन गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ के बारे में नहीं जान सकती. वहाँ का क्लाइमेट कैसा है तो एग्रीकल्चर कैसा होना चाहिए, तो ये चीज़ें स्टेट लिस्ट देखती है और एक एरिया पे फोकस कर इन चीज़ों के बारे में लॉज बनाती है. तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट. इस लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज एंड डिवोर्स एट्सेट्रा. और ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इन पर यूनियन गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स लॉज बना सकती हैं. अगर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर डिसएग्रीमेंट होती है तो यूनियन गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करता है. मतलब यूनियन गवर्नमेंट का लॉ ही माना जाता है. उसके बाद रेजिजूरी पावर्स जो होती हैं वो सेंटर के पास होती हैं और ऐसे केसेस में सिर्फ पार्लियामेंट लॉज बना सकता है. रेजिजूरी पावर्स उन सब्जेक्ट्स को लेकर होती हैं जो कि तीनों लिस्ट में से एक भी लिस्ट में नहीं होते, या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद आए होते हैं. आपके बुक में कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल दिया था, तो इस तरह के सब्जेक्ट्स में सेंटर जो है वो लॉज बनाता है. क्वेश्चन 7. व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया? तो वो कौन से सेलियंट फीचर्स, मतलब कौन से स्पेशल फीचर्स हैं जो कि इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं? सबसे पहले तो जो पावर शेयरिंग की अरेंजमेंट है यूनियन और स्टेट के बीच में वो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है और वो इस पावर को क्लियरली दो हिस्सों में बांटती है. उसके बाद कुछ स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स जो हैं वो आगे जाकर पंचायत को ट्रांसफ़र करी गई हैं. इसका मतलब है कि इंडिया अलग अलग लेवल्स पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है और अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल्स में बांटता है. यूनियन और स्टेट्स के पास अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं यूनियन और स्टेट लिस्ट में. ये एक चीज़ है जो कि कंट्री का फेडरल नेचर दिखाती है. उसके बाद यूनियन और स्टेट्स के पास अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब बैंक्स हैं. फिर सोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू है, मतलब जो गवर्नमेंट की इनकम होती है उसके सोर्सेज हैं और इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो दोनों यूनिट्स में अलग होती है. इस तरह से भी कंट्री का फेडरल नेचर दिखाई देता है. लास्टली, हर स्टेट के पास हाई कोर्ट होना और यूनियन के पास एक सुप्रीम कोर्ट का होना, पूरी नेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट होना भी एक फेडरल फीचर है. क्वेश्चन 8. हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया? सबसे पहले तो इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया गया था लिंग्विस्टिक स्टेट्स के क्रिएशन के थ्रू, मतलब लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट्स को डिवाइड करने में. और ये स्टेप जो था ये एक बहुत बड़ा टेस्ट था डेमोक्रेसी के लिए और फेडरल सिस्टम के लिए. लिंग्विस्टिक डिविजन्स करा गया था जिससे कि जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो सेम स्टेट में रहें. नेक्स्ट, कुछ स्टेट्स जैसे कि नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड को बनाया गया था कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ड डिफरेंसेस को रिकग्नाइज़ करने के लिए, मतलब ये देखने के लिए कि किस तरह से लोगों की कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी अलग है, और उस तरह से स्टेट्स की डिवीज़न करने के लिए. एक दूसरा तरीका जिससे कि इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं कहा गया है.
हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है और अभी तक 21 यानी कि 21 और भाषाओं को शेड्यूल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया गया है। सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है उसको रीस्ट्रक्चर किया गया है, मतलब उस रिलेशन का स्ट्रक्चर बदला गया है, और ये एक और तरीका है जिससे कि फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। लास्टली, प्रेजेंट डे पॉलिटिकल सिनेरियो में स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी पावर्स को इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करती हैं बिना यूनियन गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस के।